हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ब्लॉग में। दोस्तों झाड़ू पोछा हो गया है, दोस्तों खाना पीना खा लिया है, घर के पीछे की दीवार को 100 बार तोड़ के 500 बार बना के उस पर 5000 ब्लॉग बना चुके हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहे हैं दोस्तों, भाई आजकल ऐसे ही ब्लॉग चलते हैं दोस्तों। बात तो सही है। एनीवेज ये ऐतिहासिक ब्लॉगिंग की बातों को छोड़ करके कल जो ऐतिहासिक मुकाबला हुआ है, एक चैंपियन माइंडसेट वाला कैप्टन वर्सेस एक फिक्सर माइंडसेट वाला कैप्टन, और आपने देख लिया कि चैंपियन माइंडसेट का जो कैप्टन है वो अपनी टीम को फिर से फाइनल में लेकर के आ गया है। और ये कैप्टन कौन है? अरे कैप्टन कमिंस, जो अभी थोड़े टाइम पहले इंडिया में वर्ल्ड कप जीत के गया, उसके पहले WTC में इंडिया को हरा दिया। कमिंस अगर फाइनल में आ गया है ये देख करके आपकी धड़कनें बढ़ जाना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुंतु फुरन के अमीगन अब शब्बो आजमी है। बट अपने घोड़ों को रोक लीजिए, क्योंकि फाइनल में जीजी भाई की टीम भी है, और जीजी भाई भी किसी से कम नहीं है, वो भी दो दो वर्ल्ड कप चैंपियन टीमों का हिस्सा रह चुके हैं, और दोनों ही फाइनल्स में भाई जीजी भाई का परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग था। मतलब एक तरह से देखें तो मुकाबला बराबरी का होने वाला है। उधर भी वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, इधर भी वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है, उधर भी एक चैंपियन माइंडसेट है, इधर भी चैंपियन माइंडसेट है। क्या गजब टक्कर होने वाली है। खैर वो टक्कर तो कल होगी, फिलहाल कल रात के मैच की बात करते हैं जिसमें फिक्सर RR फिर से गई हार। RR की टीम जो कि अभी 2-1 दिन पहले RCB को हरा करके एलिमिनेटर था, एलिमिनेटर में RCB को हरा दिया था। हालांकि RR वालों ने, स्पेशली RR के कप्तान संजू फिक्सर ने तो भर भर के कोशिश करी थी कि चोकर्स RCB के चोकर्स आओ हमें हरा करके जाओ, लेकिन नहीं, मौके पर चौका नहीं मार पाई थी ये RCB की टीम। वो यश दयाल जिसने कि धोनी को आउट करा था तो सारी वाहवाही लूट ली थी, अगले दिन उसी यश दयाल को गालियां पड़ रही, और यश दयाल को गाली देने वालों में जनता के साथ साथ किंग चोकल भी थे। हालांकि किंग चोकल जो है वो इसको कौन है, वो मियां मैजिक मोहम्मद सिराज, उसे कभी कोई गाली नहीं देंगे। 15 गेंदों में 15 रन चाहिए थे उसको, पराग को आउट कर दे तो कैसे वो CR7 का सेलिब्रेशन दे रहा था जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो एक जो एक कल्चर है ना इस RCB के अंदर कि भले टीम हारे तो हारे, हम तो सेलिब्रेट करेंगे, वाइल्ड सेलिब्रेशन करेंगे, जस्ट मनाएंगे, ये बैक्टीरिया ना चोकली ने सबके अंदर ठूस दिया है। और इसका आपने नमूना देखा था, वो सिराज जबरदस्ती में कूद रहा है, वो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा जैसे कि जीत लिया हो, तो मतलब क्या ही बोला जाए ऐसे लोगों के बारे में। खैर RCB उस मैच में हार गई थी, RR जीत गई थी, लेकिन उस मैच में भी संजू सैमसन ने हगने की भर भर के कोशिश करी थी। आपने भी देखा था एक ओवर पहले ही जायसवाल आउट हुआ था और तुम कप्तान थे और इतना कोई टेंशन वाला माहौल भी नहीं था, लेकिन करण शर्मा को डोमिनेट करने के चक्कर में तुमने अपना विकेट गिफ्ट कर दिया। अब पिछले मैच में करण शर्मा था और कल रात को अभिषेक शर्मा, चलो एक बार को मान लेते हैं कि करण शर्मा जो कि फुल टाइम स्पेशलिस्ट स्पिनर है जिसे विकेट निकालना आता है, उसने ललचाने वाली बॉल डाली, आप लालच में आपने विकेट थ्रो कर दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे पार्ट टाइमर के सामने भी अगर संजू सैमसन सरेंडर कर जाता है, और वो भी तब जबकि पिछले मैच की ही तरह कल फिर जायसवाल आउट हुआ और एक ओवर भी पूरी तरह से नहीं होता है, संजू सैमसन जो है वो विकेट गिफ्ट में दे आता है। फिर इसके फैंस सोशल मीडिया पर RR करते हैं कि संजू फॉर द वर्ल्ड कप, संजू को टीम में लो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने सालों से, आई थिंक 10 साल से ज्यादा तो हो गए संजू सैमसन को IPL खेलते खेलते, और जिस तरह से पिछले 2-3 मैचेस में संजू सैमसन ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है, एकदम इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जिसको आप बोल सकते हैं, आपने देख लिया कि अभी थोड़े टाइम पहले ही जायसवाल आउट हुआ है, आपको एक इनिंग बिल्ड करनी है, आपको एंकर का रोल प्ले करना है, आपको सिचुएशन को संभालना है, आप तो भाई सबसे पहले हगने की शुरुआत कर देते हो। यही पर पता चल जाता है कि BCCI का जो थिंक टैंक है वो संजू सैमसन को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों नहीं देता था, क्योंकि संजू सैमसन एकदम क्रंच मोमेंट पर विकेट थ्रो कर देता है, और इस IPL में आपने भर भर के देख लिया। इस IPL में अगर आप RR की जर्नी देखें तो शुरू के 8 मैच बहुत अच्छे से ये टीम खेल रही थी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होता है संजू सैमसन तो खेलना ही भूल जाता है। इनफैक्ट ये जो टीम थी कल SRH, इसी के अगेंस्ट आपने देखा जब पिछला राउंड था और आई थिंक उसी दिन स्क्वाड अनाउंस हुआ था, तो ये संजू सैमसन जो है वो तो भूवी के सामने क्लीन बोल्ड हो गया था, पहली बॉल पर बोल्ड, और कल भी आपने देख लिया सामने भूवी नहीं था तो ये क्या नाम इसका अभिषेक शर्मा था, और पिछले मैच में आपने देखा सामने करण शर्मा, हालांकि करण शर्मा आउट करे उसके पहले संजू सैमसन तो खुद ही विकेट में खड़ा हो गया था बीच में उसको जायसवाल को गाली देने के लिए, ये तो करण शर्मा थोड़ा सा ब्रेन फेड मूवमेंट का शिकार हो गया था, अदरवाइज संजू सैमसन तो उसी बॉल पर आउट हो जाता। कहने का बस यही मतलब है कि जहां बाकी के जो कैप्टन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो टीम को जिताने की
भर भर के कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन है जो कि भर भर के ब्लंडर करता है सो दैट उसकी खुद की टीम हार जाए। बताइए, ये तो दुनिया जानती है कि SRH की जो टीम है वो जब बैटिंग फर्स्ट करती है तो ज़्यादातर उनके चांसेस जीतने के हो जाते हैं। वहीं SRH की ये जो शेयर है ये जब चेस करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो 10 में से 7 या 8 मैच तो ये हार जाते हैं। जब यहाँ पर संजू सैमसन टॉस जीतता है तो बड़े फख्र से बोलता है कि हाँ भैया हम तो चेस करेंगे, टीम की हमारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, हम तो चेस करके मैच जीत जाएंगे। लेकिन जब चेस नहीं कर पाए तो यही संजू सैमसन कैसे एक्सक्यूजेस देने लगा, अरे विकेट बहुत ज़्यादा टर्न होने लग गया था, हमारे पास कोई प्लान बी नहीं था। हैं, अरे भैया तुम तो प्रोफेशनल हो ना, डे इन डे आउट यही करते हो, मसल मेमोरी तुम्हारी भी होगी और तुम तो बचपन से धूप में गर्मी में इसी तरह की कंडीशंस में खेलते आए हो, तो ये कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं रीजनिंग देने के लिए कि भाई वो गर्मी में खेलता है, ट्रैवल करना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। अरे भैया यही सारी चीज़ें करने के लिए ये लोग बचपन से धूप में खेलते आए हैं, और जो चीज़ें जिन्हें आप लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हो ना कि भैया गर्मी में खेल रहे हैं, ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये जो हैक्टिक लाइफ है इन क्रिकेटर्स की, ये किसी जूनियर क्रिकेटर के लिए एक ड्रीम लाइफ है। वो क्रिकेटर जो आजकल रणजी के लिए या विजय हजारे के लिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली IPL में खेलना चाहते हैं, तो वो लाइफ जो कि संजू सैमसन या विराट कोहली जैसे क्रिकेटर आज जी रहे हैं। और ये जो क्रिकेटर जब फेल हो जाते हैं तो अब आप एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, अरे भैया बहुत गर्मी है, ये ट्रैवल है, थक जाते हैं, प्रेशर है। इसी तरह की लाइफ को जीने के लिए कई सारे क्रिकेटर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि भाई गर्मी थी, थक गए होंगे, ऐसा हो गए। जीत जाए तो वो रन मशीन हो जाते हैं, हार जाए तो अरे इंसान है, डिफ़िकल्ट पिच है, ये था वो था। जब पिच ये डिफ़िकल्ट था संजू सैमसन, तो तुमने पहले बैटिंग क्यों नहीं करी? और आई एम श्योर तुम भी जब ग्राउंड पर आए होगे तो तुमने क्यूरेटर से बात करी होगी, कंडीशंस को देखा होगा, मतलब यार समझ से परे है। पहले तो जब आप टॉस जीतते हो तो बोलते हम तो चेस करेंगे, चेस नहीं कर पाते हो तो ठीकरा फोड़ देते हो पिच के ऊपर, और हमारे बॉलर अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन एक बार भी संजू सैमसन ने खुद के ऊपर ब्लेम नहीं डाला। क्या लीडर बनेगा भाई ये, तेरे को लीडरशिप दिखानी थी तो बोलता ना सबसे पहले भाई कि एज अ कैप्टन मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, जायसवाल ने अच्छी स्टार्ट दे दी थी, मोमेंटम हमारी तरफ था, मेरे को बस टिक करके संभल करके खेलना था, क्योंकि विकेट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर ये विकेट इतना डिफिकल्ट होता तो एंड में आकर के ध्रुव जुरेल 50 ना मार जाता। ध्रुव जुरेल के लिए विकेट सही था, जायसवाल के लिए विकेट सही था, लेकिन रियान पराग के लिए या संजू सैमसन के लिए या वो TKC, कौन है ये TKC चूतिया नाम का है, मतलब यार कैसे खेल रहा था, ऐसे नूबड़ों को भर लेते हैं फिर बाद में बोलते हैं हाँ विकेट डिफिकल्ट था, विकेट डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट विकेट के ऊपर खड़े होकर खेलने वाले प्लेयर लाओ ना, तुम तो इन्हीं कंडीशन में खेले कूदे पले बड़े हो तो तुम्हारे लिए कहाँ से डिफिकल्ट। सीधी सी बात है, तुम इमेच्योर हो, तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी है नहीं। संजू सैमसन कतई इररेस्पॉन्सिबल तरीके से तुम खेलते हो, तुमने पिछले मैच में भी देखा जायसवाल आउट हुआ है, तुमको टिकना था लेकिन नहीं, तुमने विकेट थ्रो कर दिया, उसके पहले CSK, उसके पहले पंजाब के अगेंस्ट और कल रात को SRH के अगेंस्ट। तुम्हें पता था कि यहाँ पर जो बॉल है वो टर्न हो रही है, आगे जो बैट्समैन है वो इतने ज़्यादा मतलब टेक्निकली साउंड नहीं है। तुम तो यार टेक्निकली साउंड हो ना, तुम कैप्टन हो, तुमको टिक करके खेलना था, लेकिन नहीं, जब हारने का पैसा ज़्यादा मिलता है तो भाई कोई काय को मेहनत करेगा जीतने के लिए। आफ्टर ऑल दिस इज द पहचान ऑफ फिक्सर माइंडसेट एंड संजू इज द फिक्सर नंबर 1। एंड यहीं पर पता चलता है कि संजू का माइंडसेट क्या था और पैट कमिंस का माइंडसेट क्या था। पैट कमिंस ने जैसे ही देख लिया कि फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही है, वो पट से अभिषेक को लाता है। अभिषेक है पार्ट टाइमर लेकिन 2 विकेट ले जाता है। शाहबाज अहमद जो कि अब तक नहीं चल रहा था, कल वो 3 विकेट लेकर के चला जाता है। तो कंडीशंस को अपने फेवर में मोड़ना आना चाहिए और ये चीज पैट कमिंस ने दिखा दी है। हालांकि पैट कमिंस से पहले चैंपियन माइंडसेट दिखाया था ट्रेंट बोल्ट ने। ट्रेंट बोल्ट के सामने ट्रेविस हेड कैसे मतलब एकदम भीगी बिल्ली की तरह बिहेव कर रहा था। अभिषेक शर्मा त्रिपाठी मार्क्रम पराक्रम नहीं देख पाया, वो तो वैसे भी साउथ अफ्रीका ने तो चोकिंग करना तो उसके DNA में है। मतलब 3 विकेट गिर जाते हैं SRH के, बैकफुट पर आ जाती है, ट्रेविस हेड भी एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। इनफैक्ट हालत ऐसे थे कि कलासन जो कि 6 हिटिंग मशीन है वो भी एकदम टुकटुकाना अंदाज में खेलता है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में जो मोमेंटम था वो RR के पक्ष में था, और 170 समथिंग कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, वो भी उस IPL में जहां पर 260 के ऊपर के टारगेट भी चेज हो चुके हों। ट्रेंट बोल्ट के साथ साथ आवेश ने, संदीप ने भी विकेट लिए। कहने का मतलब है कि जो मोमेंटम और जो गेम RR के पक्ष में बॉलर्स ने करके दिया था, पूरे मोमेंटम पर पानी फेरने के लिए आ जाता है फिक्सर द संजू, एंड एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री।
चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो में कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा अब भी आपको और कोई सबूत चाहिए संजू सैमसन की फिक्सिंग के बारे में। कितने कमेंट आए थे मुझे, भाई क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, आपकी आंखों के सामने आपने देख लिया पिछले मैच में, कल के मैच में, अब भी आपको लग रहा है संजू सैमसन कहीं से कहीं तक वर्ल्ड कप में पिक होने लायक खिलाड़ी था और इतने सालों से उसे बीसीसीआई वाले क्यों इग्नोर कर रहे थे, आई एम श्योर अब आपको पता चल चुका होगा। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।